यहाँ से ना नैनीताल लेक के विजुअल बड़े मस्त लगते हैं। फुटपाथ बाजार में तो क्राउड है यार, शुरू ही हो जाता है जब भी आओ। और टेन टेन बराबर हो गए हैं गाइस, दोनों के पॉइंट अब जो है। हे गाइस, क्या हाल है सभी के? आई होप यू ऑल आर गुड। मैं हूं रोहित, सो वेलकम बैक टू द वीडियो। सो गाइस, वीकेंड पर टाउन में आज क्या खास हो रहा है, चलिए घूमने निकलते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये रहा आज घर से कुछ ऐसा नजारा है, सुबह से खिली धूप थी, आज थोड़ा बहुत घर से कोहरा दिख रहा है ना नीचे की तरफ को। आज के टेम्परेचर की बात करें ना, तो दिन में करीब जो गया है टेम्परेचर 20 डिग्री से ऊपर गया है, और शाम को जो टेम्परेचर जा रहा है गाइस वो जा रहा है 9 डिग्री। तो सुबह शाम में वो जो हो ही रहा है, मैं रेगुलर बता ही दे रहा हूँ कि शाम होते होते काफ़ी ठंड हो जा रही है। समय की बात करते हैं तो अब तक खैर 4 बज रहा है, और ये केबल कार जाती हुई घर के पास से कितनी प्यारी लग रही है शेडो में भी। तो चलिए अब यहाँ से हम नीचे उतरते हैं और शहर का जायजा लेते हैं। ऑल रोड की शुरुआत में आ गया हूँ ना। मजे की बात ये है कि मल्लीताल वाले एरिया में बढ़िया मौसम हो रहा है, और यहाँ से मैं सामने तलीताल देख रहा हूँ ना गाइज, वहाँ मौसम खराब हो रखा है, वहाँ बादल लगे हुए हैं यार गाइज, वहाँ पर ज्यादा ठंडा हो रहा होगा इस वक्त मल्लीताल के मुकाबले। अभी जब हम लेक साइड जाएंगे ना, आपको थोड़ा सा और ज्यादा समझ आ जाएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे अभी हम मल्लीताल वाले एरिया में ना, यहाँ बढ़िया खिलखिलाती हुई धूप है और क्या है, मस्त मौसम हो रहा है। लेकिन यहाँ से आगे हम तलीताल देखेंगे ना, थोड़ा हमें रोड क्रॉस करने पड़ेगी, उसके बाद लेक साइड जाना पड़ेगा, फिर आपको मौसम दिखाता हूँ वहाँ कैसा हो रहा है। तो फुटपाथ बाजार से होते हुए आगे को चलते हैं। क्राउड होने लग गया है गाइस, दुकानें लग जाती हैं, वही 4 बजे के बाद यहाँ पर दुकानें लग जाती हैं, जो कि 9 बजे तक या 8:30 बजे तक इस ये टाइमिंग है, रोज़ का है। इससे पहले आपको यहाँ पर दुकानें देखने को नहीं मिलेंगी। तो गाइस यहाँ से दिख रहा है आपको मौसम सामने ख़राब तो हो गया है यार, कहीं बारिश वारिश का तो कुछ सीन नहीं है, मैंने अभी वेदर देखा भी नहीं है। चलो पहले मैं ना वेदर चेक कर लेता हूँ, और आने वाले दिनों में कहीं बारिश वारिश तो नहीं दिखा रहा है, ऐसा तो कुछ सीन नहीं है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो गाइस देखो सामने तलीताल दिख रहा है ना, तो कैसा मौसम खराब हो रखा है उधर को यार। तो अभी जस्ट वेदर चेक कर रहा है ना, फिलहाल तो ऐसा कुछ आने वाले 10 दिन दिखा नहीं रहा है कि बारिश होने का कुछ है, ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन अचानक से मैंने तलीताल वाले एरिया में मौसम खराब देखा ना, मुझे लगा शायद कहीं ऐसा तो नहीं है कि 3-4 दिन बाद कहीं मौसम खराब और बारिश का कुछ है तो नहीं। नहीं गाइस ऐसा कुछ नहीं है, ये नैनीताल शहर का लोकल मौसम बीच में खराब होता रहता है ना, वैसा ही कुछ है। स्पोर्ट्स स्टैंड पर आ गए हैं, यहाँ पर तो खैर क्राउडेड रहता ही है वीकेंड के टाइम पे, और यहाँ से नैनीताल लेक बड़ी खूबसूरत सी दिखती है ना। इस टाइम पे अगर हम तलीताल में होते ना गाइस, वहाँ पर ज़्यादा ठंडा होता, तो अच्छी बात है हम लोग मल्लीताल वाला एरिया में, और यहाँ से पूरा बढ़िया मौसम देखने को मिल रहा है। नैनीताल शहर में एज यूजुअल जो वीकेंड पर क्राउड रहता है ना, आज एग्जैक्ट वैसा ही भीड़ हो रहा है। शाम तक थोड़ा क्राउड जो है ना और बढ़ जाएगा, फिर कल थोड़ा बहुत और बढ़ जाएगा, जो कि नॉर्मल है, यहाँ पर वीकेंड वाला ही क्राउड देखने को मिलता है। बाकी आने वाले दिनों में क्या है, क्या क्राउड बढ़ेगा या कम होगा, सबसे ज़्यादा क्वेरी यही आ रही है, दिवाली हॉलीडेज में क्या सीन रहने वाला है, यहाँ पर भीड़ होगी या नहीं होगी। दिवाली हॉलीडेज का ना कुछ इस तरीके से अनुमान लगा रखा है फिलहाल कि क्राउड होगा काफ़ी। सो अगर आप लोग आने का प्लान कर रहे हो ना दिवाली के टाइम पे, मेन दिवाली तो खैर इतने लोग नहीं आते हैं, क्योंकि दिवाली तो हर कोई अपने घर में ही मनाना ज़्यादा पसंद करता है। सो दिवाली के 1-2 दिन पहले और दिवाली के 1-2 दिन बाद जो यहाँ पर ऐसा अनुमान लगाया गया है कि क्राउड हो सकता है, सो आप लोग आने का प्लान कर रहे हो तो माइंड मेकअप कर लेना कि थोड़ा बहुत क्राउड देखने को मिलेगा, बहुत हैवी क्राउड नहीं होगा गाइस। ये मत सोचना कि यार भयानक क्राउड हो जाएगा, अगर हो जाएगा तो फिर इसकी तो खैर गारंटी कोई नहीं दे सकता है। एक चीज़ और बता दूं, अगर यहाँ पर दिवाली हॉलीडेज के टाइम पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो गाइस चीज़ें महंगी हो जाती हैं, चीज़ें मतलब बेसिक बात करूँ तो होटल जो हैं उनके रेट थोड़े से बढ़ जाते हैं जब क्राउड ज़्यादा होगा। हर हिल स्टेशन का गाइस हाल सेम ही है, नैनीताल शहर भी एग्जैक्ट वैसे ही बिहेव करता है, जब ज़्यादा क्राउड होगा तो रेट जो हैं होटल के वो ज़्यादा होंगे। लोग पूछ रहे होंगे कि आप कितने होंगे, ज़्यादा बहुत हैवी तो नहीं, मतलब एक्सट्रीम तो नहीं पहुँचेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा गाइस, मतलब 2-2.5-3-4 ये रेट में आपको अच्छे होटल्स मिल जाएंगे। थोड़ा सा ना पैडल बोट स्टैंड जो है उसके नज़दीक आकर नैनीताल लेक की तरफ को चला जाए, तो यहाँ से ना नैनीताल लेक के विजुअल बड़े मस्त लगते हैं ना, तो यहाँ तो खैर मैंडेटरी बनता है एक बार आना। सो ये जितनी भी बोट्स दिख रही हैं तो इसका रेट मैं अक्सर बता देता हूँ, तो पैडल बोट्स जिनके पास हूँ तो इसका रेट जो है आवर्स के हिसाब से होता है, तो ये 4 सीटर है, 1, 2, 3 और 4, तो इसका रेट हो गया 420 रुपये 1 घंटे के लिए। इसके साथ साथ 2 सीटर भी होती है, 2 सीटर है इधर है क्या, 2 सीटर वाली, अच्छा उधर है, तो उसका होता है 320 रुपीज़, जो उधर खड़ी हुई है ना 2 सीटर, तो 4 सीटर 420 रुपये और 2 सीटर 320 रुपीज़, ठीक हो गया ना, ये पर आवर वाला सीन है। बाकी
भाई लेकिन एक चीज़ बता दूं जो कि ज़रूरी है बताना, ये वाली बोट चलाने के लिए ना थोड़ा दमखम से ये होता है, तो एक घंटे तक भाई ऐसा मत सोचना, बढ़िया करके पूरा लेक आप आराम से घूम लोगे। सो एक बार शुरू करोगे ना थोड़ी देर बाद थक जाओगे, फिर जो दो जने साथ में बैठे होगे शायद उनसे बोलना पड़ेगा यार अब तुम चला लो। खैर बेनिफिट ये वाली बोट्स में रहता है, खैर इसमें बड़े तीन जने बैठ सकते हैं ना, तो रोइंग बोट में आराम से बैठकर आप मस्त घूम सकते हो। ये से फ्लैट्स ग्राउंड में ना कुछ इवेंट चल रहा है, थोड़ा उधर को भी देखने चलते हैं, लेकिन इससे पहले ना हम मंदिर चलते हैं, दर्शन करते हैं, फिर वापस चलेंगे इवेंट की तरफ। पाद बाजार में तो क्राउड यार शुरू ही हो जाता है जब भी आओ, और ये रेनोवेशन चल रहा है, कुछ पता नहीं क्या चल रहा है यार, ये पूरा ही अस्त व्यस्त हुआ पड़ा हुआ है पूरी सड़क, तो यहाँ पर तो आराम आराम से चलो, तब जाके आगे जो है सही सड़क आएगी। नैना देवी मंदिर के पास हम आ गए हैं, अंदर जाके वीडियो तो खैर नहीं बना सकते, आप यहीं से दर्शन कर लीजिए, ठीक यहाँ पर प्रसाद की दुकान है और अंदर जाके मंदिर है, तो पहले जा सकते थे अब नहीं जा सकते हैं, तो नए नए रूल्स आते रहते हैं तो उसका पालन करना भी ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो मैं पता क्या करता था पहले अंदर बढ़िया करके क्या आप तो सबको दर्शन करवाता था सारे भगवान के, लेकिन अब क्या हो गया यार बाहर ही खड़े हो और बाहर से बस दिखा दो कि मंदिर ऐसा है और कुछ नहीं कर सकते। मंदिर दर्शन करने के बाद हम चलते हैं DSA फ्लैट्स ग्राउंड की तरफ को, आवाज़ें ना बड़ी ही ज़ोरों शोरों से आ रही हैं, तो क्या इवेंट चल रहा है वहीं जाके पता लगेगा। कुछ दिन पहले वहाँ वॉलीबॉल की तैयारी हो रही थी, अगर वही चल रहा हो तो पता नहीं, अब चलते हैं उधर की तरफ को और देखते हैं क्या है। वॉलीबॉल का ही गेम चल रहा है और आई थिंक बाहर से टीमें आई हुई हैं, जो यहाँ पर तो आई थिंक फाइनल चल रहा है यार, ट्रॉफी भी रखी हुई हैं। ये गाइस देखिए भीड़ भी है यार, काफ़ी लोग हैं जो कि ये मैच देख रहे हैं। ये अब ये यहाँ पर पता करना पड़ेगा कि कौन कौन सी टीमें हैं जो फाइनल में हैं, उधर वो रखा हुआ है ना, उधर देखो ये दिख रहे हैं ट्रॉफीज रखी हुई, तो इसका मतलब फाइनल ही चल रहा है। चलिए 5-1 मिनट देखते हैं वॉलीबॉल का मैच, थोड़ा सा करीब चलते हैं इधर। यार ये जितने भी लोग हैं ना इनके लिए काफ़ी अच्छा हो गया, नैनीताल शहर में ये फर्स्ट टाइम ही हो रहा है इस साल ना, नैनीताल शहर में बहुत सी चीज़ें फर्स्ट टाइम हुई हैं गेम्स में ना, चाहे वो वुमेंस फुटबॉल हो चाहे ये हो रहा हो, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि शहर में फर्स्ट टाइम हुई हैं। ओए भाई गजब ही मैच चल रहा है यार, ये मैं ना वो तो बहुत ही खतरनाक टाइप चल रहा है, मैं फर्स्ट टाइम इस तरीके से वॉलीबॉल देख रहा हूँ, क्योंकि नैनीताल शहर में फर्स्ट टाइम हो रहा है इस तरीके से। हालांकि जो लोकल्स हैं वो कभी कभी खेलते रहते हैं ना, लेकिन इस तरीके से इवेंट जो है वॉलीबॉल का वो फर्स्ट टाइम हो रहा है। सर 10-10 बराबर हो गए गाइस, दोनों के पॉइंट अब जो है विनिंग पॉइंट 10-10 होगा कि क्या होगा ये पता नहीं यार, देखते हैं अभी पता लग जाएगा। भाई गजब ही रोमांच दोनों टीमों में देखने को मिल रहा है, क्या हुआ जीत गए क्या या 11-10 हो गया, नहीं ये यार 20 वाला होता है ये नहीं पता यार, विनिंग स्कोर क्या रहता है इसमें कुछ नहीं पता। इस टाइप का मैच ना फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो जितने भी दर्शक हैं ना बहुत ज्यादा चाव से इस इवेंट को देख रहे हैं, यार मुझे भी मजे आ रहे थे, लेकिन फिलहाल अब यहाँ से निकलना है, गेम चल रहा है, पता नहीं जो भी जीतेगा उनको बेस्ट ऑफ विशेस। तुम्हारे हैं डॉग्स ये, तुम्हारे हैं ये, क्या नाम है इसका, इसका क्या नाम है ये वाले का है, नहीं इसका इसका ये डॉग का, हाँ क्या नाम है इसका, पपी नाम है, ओए पपी, और इसका दोनों का नाम पपी है, ये तुम्हारे नहीं है यार ये। बैक टू दी होम, और बच्चा वो गजब ही था यार, वो दोनों डॉग्स उसके थे ही नहीं यार काली मुझसे मस्ती कर रहा था वो। सो दिस इज इट फॉर टुडे, आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। एट लास्ट आपको क्या करना है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब, जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसे तोड़ो मोड़ो जोड़ो, जो भी करो दबाना जरूर, मिलेंगे आपसे कोई और वीडियो में, तब तक के लिए तेरा।